इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला गेजर के गांव बुगर में। क्लाइमेट चेंज के असरात जहाँ पे हमारी इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी को मुतासर करते हैं, वहीं पे इसके असरात हमारी जहनी सेहत को भी बुरी तरह मुतासर कर देते हैं। 2022 में आने वाले सैलाब में कंदील शहर ने अपनी पूरी फैमिली खो दी। उसके बाद से कंदील शहर के साथ क्या हुआ और वो किन जहनी मुश्किल का शिकार है, आइए उनसे जानते हैं। पांच बहनें, एक भाई, एक दादी और एक अम्मी, वो सैलाब की जद में आ गए। वो मेरे अब्बू दो रह गए हैं। मेरा नाम कंदील सहार है और मैं मेट्रिक क्लास में पढ़ती हूँ। 26 अगस्त 2022 को जब सैलाब आया बुगर में, उस वक्त में और मेरे घर वाले सब अपने घर में बैठे थे, तो सुबह का वक्त था, तो हम मेरी छोटी बहन जो है वो खाना पका रही थी, बड़ी बहन जो है वो कपड़े वगैरह समेट रही थी, छोटे बहन भाई जो है वो आपस में खेल रहे थे। तो अचानक से आवाज़ आई तो हमने सोचा कि नाले में पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम चुपके से बैठे। थोड़ी देर आवाज़ बहुत ज़्यादा हुई तो मैं और मेरे घर वाले सब बाहर निकले। निकलने के बाद मैं छत के ऊपर गई तो सैलाब ने हमारे हमसाया लोगों के घर को बहा दिया था, लेकिन मैं जैसे ही छत के ऊपर गई तो सैलाब आया था, तो मैंने वहाँ से नीचे छलांग मारा तो मेरा घर भी सैलाब की जद में आ गया। इसके बाद मैं नीचे छलांग मार रही तो पीछे देखा तो मेरा भाई भी मेरे पीछे आ रहा था, लेकिन वो हमसाये के घर के दरवाजे पे गया था कि घर का छत मेरे भाई के ऊपर आ गई। जब हम डिज़ास्टर या फ्लड्स की बात करें, कोई भी इस तरह नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो उसमें जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस में हमारी फीमेल्स आती हैं, बच्चे आते हैं, ओल्ड एज के लोग आते हैं और जो जहनी तौर पे माजूर लोग होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट और डिस्टर्ब होते हैं। पर्सनल जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो लास्ट ईयर जब फ्लड आया था बुगर साइड पे, तो हम गए थे 3 डेज़ का, हमने मेंटल हेल्थ कैंप वहाँ पे किया था, तो 3 डेज़ जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब लोग आए हुए थे, अफेक्टेड आए हुए थे शेयर करने के लिए, तो उनमें ज़्यादातर 80-90% ख़वातीन आई हुई थी और उनमें सब में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे थे, इसी तरह के बहुत ज़्यादा सिवियरली डिस्टर्ब थी और उन्होंने आके अपने प्रॉब्लम्स वो जो शेयर कर रही थी वो बिल्कुल नहीं सो पा रही थी। फैमिली में 10 लोग थे, इसमें से 5 बहनें, एक भाई, एक दादी और एक अम्मी, वो सैलाब की जद में आ गए। मैं और मेरे अब्बू दो रह गए हैं। अब्बू घर में नहीं था, वो आंटी के घर में काम कर रहा था, इसलिए वो अब्बू भी वो हो गया। मैं तो बस इस तरह निकल गई सैलाब से, बाकी मेरी अम्मी, दादी और 5 बहनें, एक भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस वक्त मुझे बहुत सी मुश्किल आई, अपने अम्मी नहीं थी, अब दादी भी नहीं थी बहन। हम बात करें कि होता क्यों है, क्यों डिस्टर्ब, मतलब किसी तरह का कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है या क्लाइमेट चेंज होता है तो मेंटल हेल्थ आपका क्यों डिस्टर्ब होता है, उसमें मल्टीपल वजूहात होती हैं। एक ये होता है कि न्यूरोपैथोलॉजिकल कहते हैं कि आप जब एक सडनली कोई स्ट्रेस में चले जाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर चेंजेस आती है, आपके अंदर जो है कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है कि उसके साथ साथ आपका ब्रेन भी अफेक्ट होता है, फिर आपके दिमाग के अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाती है। और ये जो मेंटल इलनेसेस होती है ये दिमाग की बीमारियाँ होती हैं, इनका लिंक दिमाग के साथ होता है। जब आपका ब्रेन इफेक्ट होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तो फिर आप में पूरे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जो होता है ना, वो मेडिकल फर्स्ट एड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेडिकली तो कुछ लोग जख्म हो जाते हैं, कुछ को कोई इंजरी आई होती है, लेकिन साइकोलॉजिकली जो लोग जिन्होंने देखा हो या जो इससे गुजरे हों वो सब फेस करते हैं। तो जो फीमेल्स होती हैं अगर उसी एरिया में ही रह रही हैं तो थोड़ा सा बस इनके काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट को वहाँ पे जाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करें कि अब न्यू इन्वायरमेंट में किस तरह एडजस्ट होना है, एक्सेप्ट किस तरह करना है, जो उनके स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स बढ़ा देना चाहिए। ठीक है कि अब जब हो गया एक इवेंट उसको हम चेंज नहीं कर सकते तो अब हमने उसका सामना कैसे करना है, आगे किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि फीमेल्स जो होती है जब वो डिस्टर्ब होती है तो पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब होता है। तो एक माँ होती है, एक जो जब माँ डिस्टर्ब होगी तो बच्चे सारे डिस्टर्ब होंगे, तो हमने उन माँ को उस कंडीशन में सर्वाइव करना सिखाना है।
तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं पढ़ के अपने दिल को सुकून, मुझे मेरे दिल को सुकून मिलता है और मेरा टाइम भी गुजरता है और घर वालों की याद भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। बस तालीम में ही दिल लगता है, इसमें ही पढ़ती हूँ। बस सबक वगैरह पढ़ के अपने घर वालों को बोलने की कोशिश। ख्वातीन की ज़हनी सेहत की बहाली के लिए कौमी और बैनुल अक्वामी इदारों को ठोस इकदाम करने की ज़रूरत है।